नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। देश में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक देश भर में 5 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 16,000 से अधिक लोग की मौत हो चुकी है। देश में 8 राज्य कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। यही में कुल 85% नए केस रोजाना आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में जैसे पहले जरूरी चीज़ों की दुकानें खुल रही थी, वैसे ही खुली रहेगी। दूसरी दुकानों को भी इस बार लॉकडाउन में खोला जाएगा, लेकिन ऑड इवन की तर्ज पर खुलेगी। वहीं सीमित लोगों के साथ दफ्तर, सीमित लोगों के साथ गाड़ियाँ शुरू रहेगी जैसे पहले था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा था कि 30 जून के बाद भी राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेगी। टेलीविजन पर संबोधन में ठाकरे ने पाबंदियों में ढील दिए जाने से इनकार करते हुए कहा था कि राज्य में कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है। ठाकरे ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे लागू किया जा रहा है, जिसे मिशन बिगन अगेन नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही पंजाब, तेलंगाना में भी लॉकडाउन आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जबकि कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन सहित कई फैसले लिए हैं। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला 5 जुलाई से लागू होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।